प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में डेंगू रोकथाम को लेकर फील्ड के स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक लेकर सतत निगरानी और जांच के निर्देश दिए गए। एक एक एरिया की समीक्षा की गई। भिलाई 3 एवं पद्मनाभपुर में NS1 डेंगू पॉजिटिव केस मिले हैं। हालांकि भिलाई 3 एवं चरोदा एरिया में निगम अपना सफाई अभियान चलाकर जागरूक कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पारा मोहल्ले में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर बुखार पीड़ित की रैपिड किट से डेंगू जांच कर रोकथाम में प्रबल कदम उठा रहा है। तो सबसे पहले हम उंगली पर ऐसा दबा के प्रेस करके इसको स्वाब से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद ब्रीथिंग रीडिंग से चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला ड्रॉप रहेगा ना, उसको हमको क्लीन कर देना है। ठीक, कंप्लीट लेके जैसे हम NS1 हमको पहले डालना है। NS1 लेने के लिए हमको 25 माइक्रोलीटर का ब्लड लेना है। ये जो यहाँ पे निशान बना हुआ होता है ये दिख रहा होगा, बस यहीं तक हमको उसको ब्लड खींचना रहता है। और एक्स्ट्रा ब्लड ये हो गया, ऐसा ब्लड दे दिए। और हमको NS1 वाले ये जो होल बना हुआ है, एक होल है, इसी में बफर है, इसी में ब्लड रहेगा, ये हम डालेंगे। और इसके साथ जो बफर रहता है ये बफर को फूड ड्रॉप्स में डाल देंगे। और इसके लिए हमको 10 माइक्रोलीटर का ब्लड लेना पड़ता है। 10 माइक्रोलीटर का एक निशान बना हुआ है इस पिपेट में, इस पिपेट से लेना है। और हमको उस होल में ब्लड के लिए दिया गया है, उसमें डालना है।